हेलो फ्रेंड्स, आज बनने वाला है नॉर्थ इंडिया की जान और शान छोले मसाला और चने मसाला। जी हाँ, छोले मसाला और चने मसाला दो अलग रेसिपी है, पर मैं आज एक यूनिक रेसिपी में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग भी नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि मैं न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ धनिया है लगभग 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा, लाल मिर्च है 3, काला नमक है, आमचूर पाउडर है और है सादा नमक। ये मसाले आप अगर देखें तो ये हमारे चाट के मसाले में यूज़ होता है। और ये है हमारा लौंग है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और है सौंफ। काली मिर्च और सौंफ को आपको पता है जैसे मैं हमेशा डालती हूँ, बैलेंस करके मैंने डाला है। लगभग एक छोटे चम्मच काली मिर्च है तो 2 चम्मच सौंफ है। और एक बहुत ही बेसिक रेसिपी है अनारदाना। अनारदाने को आप चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं। मैं इसका तरीका बताऊंगी मैंने कैसे इसमें यूज़ किया है। अभी मैंने ये जो खड़े मसाले हैं इनको, इसमें सिर्फ जो बेसिक मसाले हमारे बेस के जो जाते हैं वो धनिया, जीरा, लाल मिर्च और तेज पत्ता, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लेना है, हल्का रोस्ट कर लेना है। एक खुशबू आनी चाहिए और एक कलर भी थोड़ा डार्कनेस आना चाहिए। जलाना नहीं है बट इसको बहुत धीमे आंच पे भूनना है। अच्छे से भून लेंगे हम। आप यहाँ पे लाल मिर्च की जगह पे देगी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने सिर्फ स्वाद के लिए किया है क्योंकि मैं काश्मीरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसी गर्म पैन में मैंने जो ये मसाले थे गर्म मसाले वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दालचीनी और लौंग को मैं थोड़ा क्रश करके डालूंगी मिक्सी के जार में। अब इन मसालों को मैं प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये भी ठंडे हो जाएं, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे मिक्सी के जार में डाल के मीडियम पे पीस लेंगे। बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा फाइन से दरदरा रखना है। अब इनको हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने अनारदाना के बारे में आपको बताया। अनारदाना जैसे आप निकालते हैं ना, तो उसको क्या कीजिए कि रोटी का जो तवा होता है ना उस पर 2-3 दिन डाल के आप अगर उसको हल्का रोस्ट करके रखते हैं ना, तो 2-3 दिन के बाद वो सूख जाता है, फिर आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने नमक डाला है, सादा नमक है ये। उसके बाद आमचूर पाउडर है, इसी आमचूर पाउडर में हाफ अनारदाना और हाफ आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, तो वो परफेक्ट छोले मसाला हो जाएगा। यही अंतर है। यहाँ पे देखिए इसमें मैंने हींग डालना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों मसालों के लिए, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निखर के आता है। तो अनारदाना हम डालेंगे छोले मसाले के लिए परफेक्टली, और आमचूर पाउडर हमारा चने मसाले के लिए जाएगा। यहाँ एक बार और पीस के मैंने तैयार कर लिया, बिल्कुल तैयार है ये आपका एक यूनिक मसाला जो आप दोनों रेसिपीज़ में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मसाले सब एक अनुपात में लिखे हैं, तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। और ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल यूनिक मसाला तैयार है, जो कि चने और छोले दोनों में जाएगा, पर छोले मसाले के साथ अनार का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 फ्राइडे को आएगा, तो उसमें मैं आपके साथ कुलचे की और अनार को मैं छोले के साथ कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको अगली रेसिपी में बताऊँगी। पर इस मसाले की रेसिपी में आप हाफ आमचूर पाउडर और हाफ अनारदाना मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये 2-in-1 मसाले की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन।